हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। गाइस, अगर आप हमारी चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे वीडियो सिलाई से संबंधित और अनेक अलग अलग तरीके की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए गाइज। तो आज हम आपके लिए बहुत ही सुपर यमी और डिलीशियस स्वीट की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही आसान है और मार्केट में महंगा मिलता है, जिसे आप घर में कुछ ही चीज़ों से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मैंगो रोल की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस मैंगो रोल को बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो पके हुए आम ले लिए हैं, हाफ कप मावा यानी कि खोया, और 4 से 5 चम्मच हमने लिया है शुगर। अगर आपके जो आम हैं ज़्यादा मीठे हैं तो आप शुगर कम लीजिए, और अगर आपके आम खट्टे हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर और थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम। आज हम इस मैंगो रोल को बिना मिल्क पाउडर, बिना कोकोनट पाउडर के बना रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। और मावा भी आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दूध की मदद से। हमने 0.5 लीटर दूध से इतना मावा तैयार किया है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मावा किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। हमने पहले भी मावा किस तरीके से घर में बनाना है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो रोल बनाना। तो सबसे पहले आम के छिलकों को हटाएंगे और इनके जो पल्प हैं उन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमने आम के पल्प को निकाल लिया है और अब हम इसे बिना पानी डाले इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके घर में दूध पाउडर यानी मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे 1/2 कप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने मैंगो पल्प को पीसने के बाद कढ़ाई में निकाल लिया है। आप इस तरीके से जिस बर्तन में भी चाहे पैन में किसी निकाल सकते हैं। अगर आपके जो मैंगो हैं ये रेशेदार हैं यानी ज़्यादा रेशे हैं तो आप इस पल्प को पहले छान लीजिए, बट हमने यहाँ पे जो आम लिया है उसमें रेशे नहीं थे तो हमने इसे नहीं छाना है। तो अब हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें मैं 1/2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे 5 मिनट तक हम इस पल्प को पकाएंगे। इस मिठाई को आप व्रत में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इनमें हल्का कलर देने के लिए आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मनचाहा रेड या फिर येलो, या हम यहाँ पे कोई भी कलर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर बिना कलर यूज़ किए बना रहे हैं तो आप जिस तरीके के यानी जिस कलर के आम लेंगे आपके जो मैंगो रोल हैं यानी आम रोल उसी तरीके से और उसी कलर के तैयार होंगे। तो हमने यहाँ पर जो कलर लिया है सेम तरीके के ही हमारे सेम कलर के ही मैंगो रोल रेडी होंगे। तो अगर आप ज़्यादा डार्क कलर पसंद करते हो तो आप डार्क कलर के मैंगो लीजिए। और 5 मिनट हो चुके हैं तो हम यहाँ पे अपने मावा को रेडी यानी इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने पूरे 1/2 कप मावा को यहाँ पे डाल दिया है और इन्हें लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैंने यहाँ पे शक्कर और इलायची पाउडर भी ऐड कर दिए हैं और इन्हें अच्छे से चला देंगे, मिक्स करेंगे। और अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे डाल देंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए हम फ्राई करेंगे यानी पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल सूख नहीं जाते और कढ़ाई से छोड़ने ना लगें। और ये देखिए बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं, चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। इनका मिश्रण हल्का हल्का ठंडा हो चुका है तो हमने यहाँ पे एक ले ली है सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, आप इसके जगह पे बटर पेपर भी ले सकते हैं। तो हमने इस पर हल्का सा घी लगा दिया है और अब हम इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे, बेल लेंगे यानी कि इस तरीके से। तो इन्हें आपको पतला बेल लेना है, बहुत ही ईजिली ये तैयार हो जाते हैं। चिकनाई के लिए आप चाहे तो हल्का सा घी लगा सकते हैं बेलन में भी। तो हमने इन्हें इस तरीके से बेल लिया है पतला और हल्का सा साइड साइड से हमने इसे इस तरीके से चौकोन कर दिया है। तो अब हम इसका रोल करेंगे। तो रोल हमें इस तरीके से करना है, फिर हम इसे
ऐसे रोल करेंगे और ये जो हमारा एल्यूमिनियम फॉइल है इसे हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए बहुत ही अच्छे से ये रोल हो रहे हैं। और अब हम इन्हें फिर से इस तरीके से रोल करेंगे और फिर नीचे से ये जो फॉइल पेपर है इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो सेम तरीके से इस पूरे मैंगो रोल को बहुत ही इजी वे में आप तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम लागत में, बहुत ही टेस्टी, और साथ ही साथ ऐसा जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होगी ये आपकी मैंगो रोल। तो चलिए सेम तरीके से हम इसे रोल कर लेते हैं। और एल्यूमिनियम फॉइल को हम इस तरीके से धीरे से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से रोल तैयार है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इसी एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट देते हैं पूरे, और इन्हें हम इस तरीके से आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये जो रोल है अच्छे से सेट हो जाएं। आप चाहें तो इनके ऊपर इनके अंदर जब आपने इसे फैलाया था तो उस पर हल्के से ड्राई फ्रूट्स या फिर कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, बट हमने यहाँ पे नहीं डाला है, हम इसे ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो हम इस रोल को जब कट करेंगे तो ऊपर से इस पर ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। तो अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आधे घंटे हो चुके हैं और हमने इस मैंगो रोल को बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। तो चलिए इन्हें देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो बस अब इसके ऊपर आप मन चाहे ड्राई फ्रूट्स लगा दीजिए या फिर कोकोनट पाउडर लगा दीजिए। तो हमने अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं और अब इनको आप कट कर लीजिए। बहुत ही इजीली ये तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। और ये हमारे मैंगो रोल बहुत ही यमी दिख रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, अभी आम के सीज़न चल रहे हैं और आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। आप इन्हें व्रत में भी बना के खा सकते हैं, मार्केट जैसा लुक देने के लिए आप इनके ऊपर चांदी पेपर भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये इतने सुपर डुपर हिट लगेंगे खाने में कि आप बिल्कुल मार्केट से लाना तो भूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और आप इन्हें कब ट्राई कर रहे हैं ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी ज़्यादा यमी यमी रेसिपी और बहुत सारे क्राफ्ट से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।